यहाँ से पूरा हर एक घर तहस नहस हो गया। माँ बाबा क्यों नहीं, मतलब एक ही लाइन में जितना सारा घर है। और यहाँ एक घर का हालत जहाँ सबसे ज्यादा तहस नहस किया है गोवर्धनपुर, और करीब करीब एक घंटा अपनी ग्रह अब अपनी ग्रह আপনাদেরকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু বাধ্য, আমি ইসকা যে মা হ্যাঁ মত হো গিয়া সেই সালামত হামান্য সহযোগিতাটুকু আপনি গ্রহণ করুন দিদি। না মাসিমা কান্না করবেন না, বেটা হনকা ইয়ে হালত হ্যাঁ মাসিমা কাজ ইস হালত হ্যাঁ রাস্তে মে যাতে যাতে বিবি হ্যাঁ তিন বেটি হিসেবে বহু হি অসহায় অবস্থা হ্যাঁ আচ্ছা মতলব অঙ্কেলজি কাজ কহনা হবি রিকোয়েস্ট করি থাড়া সা হেল্প কীজিয়ে মেরে সারে ভিউর সারে সবসক্রাইবার কে পাশ মেরা রিকোয়েস্ট হ্যাঁ अगर आप में से कोई नेक दिल इंसान स्पेशली पर्सनली कुछ हेल्प कर सकते हैं तो दादा को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। घर उनके क्या कहूँ, हमको भी रोना आ रहा है। सेरिलैक्स दिए गेलाम, तार संगे बिस्कुट्स दिए गेलाम, सबाई खेये जाबे आसछि, सबाई भालो थेको तोमरा, यू ऑल आर वेलकम। এই সামান্য কিছু সহযোগিতা আমরা করলাম দিদি ওই ছোট বোনটির জন্য। और अभी तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, इटे अपनी पैरेंट दीपों को चैरिटेबल ट्रस्टर पक्ष देखे चेष्टा कर प्रत्येक जरा क्षतिग्रस्त हो सबाई के एकटू को आलो देखानों जो इटा तो खूब ही सामान्य। सारे व्यूअर्स सारे सब्सक्राइबर सारे फैंस के पास मेरा रिक्वेस्ट है, और थोड़ा सा सहायता का हाथ बढ़ाइए, और हर घर घर में ऐसे दिए जलाने के लिए लाइट जलाने के लिए थोड़ा सा सहायता कीजिए। পাথর প্রতিমা প্যারোট দীপঙ্কর हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीपंकर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरोट दीपंकर। पैरोट दीपंकर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हम सभी करते हैं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पैरोट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। तेज़ रफ्तार का तूफान जिसका नाम है बुलबुल, उसका तेज रफ्तार से तांडव मचाया, तहस नहस कर दिया पूरा सुंदरबन को। इसका कारण कई लोगों का मौत हो गया, बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हो गया, हजारों से भी लाखों से भी ज़्यादा पेड़ जड़ से उखड़ गया। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सुंदरबन का पीपल का जो हालत है उन सबको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था, और आप सभी के पास रिक्वेस्ट किया था कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, और बहुत सारा नेकदिल इंसान आप लोगों का दयावान हृदय के साथ सहयोगिता का हाथ बटाया। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को मिल गया है, और उसी से बहुत सारा सामान हम लोगों ने परचेस किया है, और जो सारा डोनर है आप सभी को पैरोट दीपंकर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एकदम दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू करता हूँ, ताकि आप लोग सहायता किया है इसलिए इतना सारा जो सामान है ये सब आज लेके आ पाया, और जो मिजरेबल पीपल है सुंदरबन का उन लोगों का पास भी पहुँचा सकेंगे। और थोड़ा सा दिखाना पसंद करूँगा क्या क्या है।
हॉर्लिक्स भी हम लोगों ने लिया है और उसके साथ कुछ केक्स वगैरह है और ये मोमबत्ती। चार महीना तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आने वाला है, फोर मंथ, ये बहुत लंबा समय होता है। मतलब जो सारा छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों का रात में जब रोता है तब एक मतलब लाइट का जरूरत होता है, तो वो भी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ मोमबत्ती भी साथ में लेना चाहिए और उसके बाद कुछ बिस्किट्स भी है, ऐसे बिस्किट्स है और ऐसे भी कुछ बिस्किट्स वगैरह है। और यहाँ जो सारा छोटे छोटे बच्चा है 2 साल से 10 साल तक, सब ये सेरेलक नेस्ले का। और उसके साथ और जो लेके आए हैं कंबल, मतलब सर्दी का मौसम आ रहा है ये भी काम में आएगा बहुत। और उसके साथ मॉस्किटो नेट, ठीक है, ऐसे ही यही सारे सामान है। और बने रहेगा वीडियो के अंत तक ताकि आप लोग भी देखिए कि आप लोगों ने जो सहायता का हाथ बटाया सही लोगों तक हम लोग कैसे पहुंचा रहे। पूरा पाथोर प्रतिमा में बाबूदा को बाबू ज्वेलर्स के नाम से ही जाना जाता है, बहुत ही अच्छा नेकदिल इंसान है। इन लोगों का भी एक एनजीओ है, थोड़ा सा नाम बता दो। हमारे एनजीओ का नाम है शॉप टू उड़ान। हम लोग फोकस करते हैं बच्चों पे और औरतों पे, और आपसे जुड़ने में हमें बहुत खुशी हुई है, हम लोग गर्व महसूस करते हैं। थैंक यू सो मच। और उसके बाद परिचय देते हैं दिवीर अंकल के साथ। मतलब क्या कहूँ इनके बारे में, जितना भी कहूँगा वो कम हो जाएगा क्योंकि बचपन से लेके पूरा लाइफ बिता दिया ऐसे ही समाज का नेक काम करने में। पैरोट दीपंकर चैरिटेबल ट्रस्ट, ये बुलबुल साइक्लोने जो इफेक्टेड एरिया विशेष करे पाथर प्रतिमार राक्षसकाली ब्रजबल्लपुर जी प्लट सीतारामपुर एवं नामखाना ब्लकर रेजारगंज, ये नामखाना ब्लक एवं पाथर प्रतिमा ब्लकर विस्तीर्ण বঙ্গোপসাগর উপকূলে এরিয়া এই সুপার এই সাইক্লোন বুলবুল সাইক্লোনের যে এফেক্টেড হয়েছে তার উপরে এরা যে সেবা কাজ করছে, এই সেবামূলক কাজের এই রিলিফ ওয়ার্কে আমি নিজেকে সংযুক্ত রাখতে পেরে আমি গর্বিত মনে করছি। এবং এই প্যারোট দীপঙ্কর চ্যারিটেবল ট্রাস্ট যাতে আগামী দিনে আরও বৃহৎ আকারে মানুষের বিভিন্ন ইমার্জেন্সি প্রয়োজনে যাতে তারা সেবামূলক কাজ করতে পারে, সেজন্য আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন আরও এক বিশেষ সমাজসেবী, আমাদের বিশ্বজিৎ দাস। বিভিন্ন সেবা কাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তিনি আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকেন। বিশ্বজিৎ বাবু বসে আছেন। विश्वजीत दा अंकल जी ने जो बताया, थोड़ा सा हिंदी में मैं कह देता हूँ कि विश्वजीत दा एक फेमस बिजनेसमैन है एज ए डोनर और एज ए मेंबर। हम लोगों के साथ भी दादा भी आज है, तो हम लोग बहुत खुशनसीब है। मतलब पैकेजिंग का काम हम लोगों का थोड़ा बहुत हो गया है। हम लोग एक्चुअली 2 आइलैंड पर जा रहे हैं, ठीक है। पहले जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ सामान उतार के और वहाँ ख़त्म करने के बाद फिर से नाव में चढ़ेंगे और दूर जाएंगे, और एक आइलैंड है जहाँ मतलब हम लोगों का जो मेन इंटेंशन है जहाँ कोई भी पहुँचा नहीं, कोई भी एनजीओ या कोई लोग इतना आसानी से वहाँ रिलीफ देने के लिए नहीं पहुँच पाया है, उसी जगह में जाने का कोशिश करेंगे ताकि सारे व्यूअर सारे सब्सक्राइबर मतलब ज़्यादा करके जो लोग उसका दयावान हृदय के साथ हम लोगों को सहायता किया है इस रिलीफ देने के लिए, अगर हम लोग एकदम इंटीरियर में पहुँच के जिन लोगों का ज़रूरत है उन लोगों तक पहुँचा पाएंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। क्या सौरभ, जो एक्चुअल नीडी है जिसको जिसको चाहिए, जिसको कुछ मिला नहीं इधर गवर्नमेंट से या फिर दूसरे एनजीओ से, ऐसा बहुत सारा जगह होगा जो रिमोट एरिया है, हाँ। जो रियली नीडी है वी वांट टू रीच देयर, जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता, वी वांट टू रीच देयर। सो लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो। और हिरणमय अंकल जी, मतलब सारे पैकिंग वगैरह जो करना था चल रहा है, अभी पैकिंग वगैरह चल रहा है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अंकल जी আমরা কথা দিয়েছিলাম আপনাদের ছোট ছোট আর্থিক সহায়তা করবেন, সেগুলো আমরা সঠিক জায়গায় আমরা পৌঁছে দেবো। এইসব কাজ করতে খুব আনন্দ লাগে, হ্যাঁ, সবসময় তো ব্যবসার জন্য ব্যস্ত থাকি আর এইসব কাজ তো সবসময়। থ্যাংক ইউ সো মাচ, মে আপনা গলে মিলনা চাহুঙ্গা কে আবি তক আপ জেসে লোক হ্যায় ইসিলিয়ে হাম লোগ এক কর পা রহে আর হাম লোগ করিব করিব পহলে জাহাঁ উতরেঙ্গে এহি জগা হ্যায়, মতলব এ জো আইল্যান্ড হ্যায় ইয়াহ থোড়া সা डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ ख़त्म होने के बाद नाव में चढ़ के फिर से जाएंगे दूसरा आइलैंड पे। आस्ते आस्ते काकू, आस्ते आस्ते ओ কাকু আসতে মানে অনেকটা ডাউন হয়ে যেতে হবে। কিতনা বড়া সা পেড় কেউ গিরা দিয়া, ইহা সিফ এক নেই পিছে জো হ্যাঁ ভি এক দেখিয়ে রফতার বুলবুল কার তেজ হওয়া কা রফতার ইতনা জাদা থা কে ইতনা মোটা জড়
उसके आगे उस तेज रफ्तार के आगे टिक नहीं पाया। मतलब ये इस जड़ को उखाड़ना मिट्टी से, ये मतलब बहुत ताकत चाहिए होता है। तो हम लोग थोड़ा सा फील कर पा रहे हैं कि वो उस तेज रफ्तार का ताकत कितना था। और फिर से घर में आए हैं यहाँ घर वास्ते बेटा खुदी जे गोरी चापाई था मोई चापाई था चापा हो गई किसी माने ये पड़ेगी कहाँ ये आगे घर पूरी की चापाई था पूरा घर पड़ेगी चिलो हाँ घर पड़ी था पूरा घर गिर गया था। मतलब ये ऊपर जो शेड था ये भी गिर गया था। मतलब ये थोड़ा सा टेम्पररी ऊपर ट्रिपल देके ऐसे बनाया फ्रेम बना के और दीवार गिर गया था और जो गाइया था झड़ आसे था छुट्टी पाई जवान बैग खुली देखी बैग पाई थी लोगे तक स्कूल में पाली जवान ओ स्कूल चले गए छिले हां हां बा हां जगह झड़ आसे हमने तो नोटा दिखे थाईली जे हमने तो आगो माइक तो हेल उसको हमने तो जानी नहीं अच्छा जानी नहीं তারপরে ঝড় আসতো না মানে নটা পর্যন্ত থাকলি তারপর আর টিকতে পারলি কোনো কোনো লোক থেকে পালিছে স্কুলে পালিছে কি সব ঘর মতলব অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গিয়া থা কি তুফান আনে বালা হ্যাঁ তেজ রফতার কা তুফান বুলবুল ঘর ভাঙি পড়ি যাটে এদিকে গরু সানিব না ছেলে ফেলে সানিব না নিজে সানিব না নিজে স্ত্রী সানিব না কাকে সানবিব আমি बहुत ही पैथेटिक है। मतलब जब तूफान आया था अंकल जी जो बोल रहे हैं किसको संभालेंगे, बच्चा है गाइया है इनका बीवी है, मतलब क्या मतलब घर छोड़ के यहाँ एक स्कूल है स्कूल पे जाके मतलब रात गुजारा और सुबह आके देखा मतलब सकाल जखन आसन पूरा घर दर भेंग गए घर दर नहीं एकदम चापाई जावा लुखवे डागी कोन कोन ये कर के सजा करते पूरा घर दीवार पूरा गिर गया था। मतलब ये सब जो घर बनाया मिट्टी का अभी हाँ नया अभी एक दो दिन हो रहा है ऐसे सब घर बनाया। गुरु गुरु के गुआ घर था गुरु चापाई से पूरा लोग के डाकी की टाइम एयर ज्वेलर्स का बाबूदा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा दादा आप अपना हाथों से थोड़ा দাদা আমাদের পক্ষ থেকে এইটুকু আপনাকে সহায়তা করা হলো। কম্বল আছে, মশারি আছে, বিস্কিটস আছে, কেকস আছে কি বাবুদা ওর সাহা নেই গিয়া ১০০০ রুপিয়া বাবু এটা আপনি গ্রহণ করুন। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা যেটুকু পারলাম করলাম, ভগবানকে বলবেন যেন আমরা আরও ভালো কিছু করতে পারি আরও বেশি কিছু করতে পারি, আমাদের আশীর্বাদ করবেন। আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের ঘর দ্বার ভাঙিছে আমাদের কাজ যাইবা ওটা বসবাস করি যাইবা কাজ যাইবা একবার আবার যদি ঝড় যদি এসে ভাঙিবা কাজ যাইবা কাঁধ থেকে যাওয়া अच्छा। मतलब अंकल जी का जो कहना है सभी से रिक्वेस्ट कर रहा है थोड़ा सा हेल्प कीजिए ताकि यही छोटा सा घर है और मतलब रहने का कोई जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। मेरे सारे व्यूअर सारे सब्सक्राइबर के पास मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप में से कोई नेक दिल इंसान स्पेशली पर्सनली कुछ हेल्प कर सकते हैं तो दादा को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। मैं मेरे जी का नाम पता सब लिख लिया है। अच्छा ठीक है काकू हम आंतरिक भावे चेष्टा करब ओ अपनी मतलब दादा परिवार में अकेला है, इनका बीवी है और तीन बेटी है, इसलिए बहुत ही असहाय अवस्था है। क्या कहूँ हमको भी रोना आ रहा है काकू। हमरा कथा दिच्छी हमरा जदि हमारे सारे व्यूअर अनेक लोक जन आपके देखे जदि को सहृदयन व्यक्ति किछु सहाय्य करबा आमादेर पक्ष थेके जदि आमरा किछु पारी आमरा निश्चयई आसबो। आपनी मन खराब करबेन ना। ठीक आछे क्या कहूँ, कहने का कुछ है नहीं। जड़ बहुत ही मजबूत होता है और बहुत गहरा तक जाता है इनका जड़, फिर भी उखड़ गया है। फिर से एक बार आए हैं एक घर में, इन लोगों का हालत भी बहुत ही बुरा है, पूरा उड़ गया था। पंचायत से एक ट्रिपल मिला उसको ढाक के ही काम चला रहे हैं और अंदर आते हैं थोड़ा हाल बहुत ही बुरा है सच में। मतलब पूरा पूरा शेड उड़ गया था, ऊपर एक ट्रिपल और उसके नीचे नारियल का पत्ता, और बहुत लोगों का ऐसे हालत हो गया है। থোড়ে 10টা 11টার সময় আর থাকতে পারলাম না, বেরিয়ে গেছি। বেরিয়ে কোথায় রাত্রে কোথায়? হ্যাঁ এই দোকানে ছিলাম। মানে আর আপনাদের গরু ছাগল কিছু আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ গরু একটা গরু একটা বাছুর একটা ছাগল। আচ্ছা আপনি আর কে কে থাকেন বাড়িতে? আমার স্ত্রী আর আমি। ও আপনি আর মাসিমা, তাহলে আপনাদের রুজি রোজগার জাল সারে
আর জাল কুড়ি আমাদের তরফ থেকে আর ওনার পায়ে একটা চোট লেগেছে দেখুন প্রতিবন্ধী মানুষ আচ্ছা আপনি হ্যান্ডিক্যাপড হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কিছুই হয় ওই জল তাহলে আপনার রুজি রোজগার কি করে করেন রুজি রোজগার জাল ফাল সাদিতে সেরতে যাই আর জাল জাল ফাল সরব তুমি তুলে দাও ভবিষ্যতে আমরা সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই আবার আপনাদের পাশে দাঁড়ানোর সর্বদা চেষ্টা আমরা করব আমাদের যারা যারা দেখছে ভিডিও তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে সব সব ভিউয়ার কে রিকোয়েস্ট হ্যায় কি আপনি তুমি আইয়ে কিউকি দিস পারসন ইজ ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড পারসন এন্ড হি নিডস মোর মোর হেল্প টু বি হিয়ার ওকে তাহলে ছেলেরা ছেলেরা কি একজন ছেলে পৃথক হয়ে আছে তিনটা মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ একটা ছেলে পৃথক হয়ে আছে খুব কষ্টে দিন কাটছে আপনি আপনি মন খারাপ করবেন না ভাই আর একবার ভেতরে যদি একা হোক মাসিমা আপনারা এখন থাকেন কোথায় ও মানে অন্য লোকের বাড়ি আজকের কালকে বেরে আসবো এখানে এই সমস্ত করে যাই হোক থাকতে তো নেই কিছু নেই একটা ত্রিপুর তো এই উপরে দিতে নিচে নেই ও বাকি ঘেরছি বহুত হি প্যাথেটিক হ্যাঁ কাঁধ নেই সিপাশে কাঁধ নেই বহুত সারে ভিউয়ার্স হ্যাঁ হাম লোগো কে সাথ মে রিকোয়েস্ট করুঙ্গা আপ সবই সে কে থোড়া সা ধ্যান দিজিয়ে আপকা জো নেক দিল হ্যায় দয়াবান হৃদয় হ্যায় উহাঁ সে থোড়া সা কুছ হেল্প করনে কা কোশিশ কিজিয়ে ঠিক আছে মাসিমা আমি দেখে গেলাম আমি আমার আমি কথা দিচ্ছি আমি আমার যদি পক্ষ থেকে কিছু আমি করতে পারি ঠিক আছে হ্যাঁ না আপনি 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 মন খারাপ করবেন না মাসিমা আমি 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 কথা দিচ্ছি আমি যদি আমার পক্ষ থেকে কিছু করা দেখুন আমাদের যে ট্রাস্ট আমাদের এখন খুব ছোটো তো আমাদের অনেক বড় কিছু ক্ষমতা নেই এই মুহূর্তে আমি যদি আপনারা আশীর্বাদ করুন আমি যদি একটু পায়ে টিপ দিয়ে দাঁড়াতে পারি আমি আপনাদের পাশে এসে নিশ্চয়ই দাঁড়াবো বাবু না না মন খারাপ করবেন না আমরা আছি আমরা প্যারট দীপঙ্কর চ্যারিটেবল ট্রাস্ট আমি আপনাদের আমি আসছি মাসিমা আশীর্বাদ ছেলে হিসাবে আপনি না 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 এইভাবে বলছেন আমি সঙ্গে আছি সঙ্গে আছি কান্না করবেন না আমি যেতে পারবো না আপনারা ভালো থাকুন না 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 এসে মত বাতাইয়ে এরকম বলবেন না পারিনি বাবা এই বয়সে কতবার ঘর আইলা একবারে নিপা দিয়ে দিল সে আবি ওরকম আবার ঘর করে দিতে এই পাশে দেখলে আর কি এই পাশে আপনি সবাই সে মেরি তরফ সে রিকোয়েস্ট হ্যায় কি কুছ মতলব ইস ভিডিও কো জ্যাদা সে জ্যাদা শেয়ার কিজিয়ে মতলব জিতনা জ্যাদা লোগো কে পাস পৌঁছেগা উতনা জ্যাদা মতলব রিচ বড়েগা জিতনা জ্যাদা মতলব উতনা জ্যাদা সোর্স রিসোর্স হাম লোগো কো মিলেগা তো প্লিজ শেয়ার কর দিজিয়েগা ইস ভিডিও কো ইন লোগো কে লিয়ে মাসিমা আমাদের ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে আমার আপনাদেরকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু বাধ্য আমি আসছি আমি আমি আবার আসবো আশীর্বাদ আশীর্বাদ মাসিমা আমার পক্ষ থেকে এইটুকু আপনি আপনি গ্রহণ আপনি গ্রহণ না না এরকম 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 বলবেন না আমি আমি চেষ্টা করবো আরও আরও যদি কিছু করার থাকে আমি চেষ্টা করবো আমি 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 চেষ্টা করবো আমি আমার পক্ষ থেকে চেষ্টা করবো যদি কিছু করার থাকে আমি চেষ্টা করবো আসছি বহুত বুরা হাল হ্যায় তেজ নেস কর দিয়া বুলবুল কা তেজ রফতার ক্যা কহুঁ মতলব এ দিবার পুরা খারাপ হো গিয়া হ্যায় আবি রিপেয়ারিং কে কাম চল রহা হ্যায় এসে হি মিট্টি ইয়াহ পানি মে ভিগো কে কাকু আমাদের পক্ষ থেকে আর মাসি মাসে থোড়া বাত করেঙ্গে মাসিমা ঘর ভেঙেছে গাছপালা সব পড়ে গেছে পুকুরে মাছ নষ্ট হয়ে গেছে আচ্ছা আগে যে আয়লা হয়েছিল কি এরকম ক্ষতি হয়েছিল না তার থেকে আছে বেশি এখন যখন ঝড়টা আসে ঝড়ের রাত্রে কি আপনারা বাড়িতেই ছিলেন যখন ঘরটা ভেঙে পড়ে তখন মানে একটা সাইড হয়ে গেছে ও আচ্ছা 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 মতলব হাজার নেই লাখো সে ভি জাদা পেড় জড় সে উখড় গিয়া আর পানি কা হালত দেখিয়ে মতলব এ যে পেড় ইহা গিরা উসকা যে ব্রাঞ্চেস হ্যায় পাত্তা বগেরা হ্যায় ও পানি কা অন্দর রহনে সে ক্যা হো রহা হ্যায় পানি খারাপ হো রহা হ্যায়
और यहाँ से मच्छर, और अभी तो डेंगू का बहुत तहलका मचा हुआ है पूरा सुंदरबन में, पानी भी खराब हो रहा है। और मासिमा बुझते अनेक क्षय क्षति हो जैक ओपरे भगवान आश्चय उन्नी सब ठीक करबें। और बहना का जो टीम है, बहना का टीम की तरफ से बिस्किट्स और केक हमारे पक्ष के जोटा सम्भव हलो सामान्य एटुकु हमें अपन कर ल। भगवानेर गान, कृष्ण भगवानेर गान, तो थोड़ा सा भगवान का नाम संकीर्तन कहते हैं इसे शायद, तो सुना बहुत अच्छा लगा। मासिमा हमारे पक्ष के सामान्य सामान्य सहाज्यटुकु एक कम्बल, एक मशारि, बिस्कुटर पैकेट और हॉर्लिक्सर पैकेट, मोमबाती, छोटो एकटूखानी केक और एक बिस्किट्स पैकेट, और पहुँच गए हैं। मासिमा आपनी प्लिज एक बाहर आसु, रान्ना बान्नार व्यवस्था हो मन है। ठीक है मासिमा, हमारे तरफ थे छोट एक सहायता अभी आए हैं फिर से घर में सुस्त हो गए, এরকম হয়ে গেছে আর কিছু করতে পারেন, কোনো কিছু করতে পারেন, একদম পড়ে গিয়ে একেবারে অসুস্থ পঙ্গু হয়ে গেছে ঘরের কর্তা। আর উনি হচ্ছে মাসি, আর উনি হ্যাঁ উনার স্ত্রী। আচ্ছা তাহলে ঘরের রোজগার পত্র? রোজগার কিছুই নেই, একজন মেয়ে আছে, মেয়েকে বিয়ে দিতে পারে না, আর একজন ছেলে আছে, সে একেবারে প্রতিবন্ধী। না মাসিমা কান্না করবেন না, বুঝতে পারছি আপনাদের খুবই কষ্টে আছেন, খুবই অসহায়তার মধ্যে আছেন। আমরা পরবর্তীকালে আরও যদি বেশি সহযোগিতা পাই মানুষের কাছ থেকে। না না এসো চলে এসো, আর বসুন বসুন আস্তে বসুন। এদিকে দেখো এদিকে ফটো, মতলব ইন লোগো কা এই পরিবার হ্যাঁ, जो घर का मेन हेड है वो अंदर बिस्तर पे सोया हुआ है, और ये बेटा है इनका, ये हालत है, और मासिमा का इस हालत है, मतलब अर्निंग मेंबर कोई है नहीं इन लोगों का घर में, खूब बहुत ही ये दुख हो रहा है। और मैं आप सभी सारे व्यूअर, सारे सब्सक्राइबर, सारे फैंस को कहना चाहूँगा, और ज़्यादा करके उन लोगों को जो लोग इस इवेंट के लिए सहायता किया, सहायता का हाथ बढ़ाया, सच में आप लोगों के लिए आज यहाँ तक आ पाया। हम लोग अगर करता तो इतना इतना लोगों का पास हम लोग नहीं पहुंच पाता, छोटा सा करना पड़ता, और आप लोग, आप इतना सारा लोगों का नेक दिल इंसान का सहायता जो मिल गया आज यहाँ आ पाया। और फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा आगे अगर आप लोग और भी सपोर्ट करेंगे तो और कुछ ज़्यादा कर पाएंगे। मासिमा आशीर्वाद करूँ भविष्य जान हमारे ट्रस्ट और बड़ो है, और बेसि बेसि किचु करते। और बाबू आपनी तो संसार करता, हमारे पक्ष के सामान्य अर्थटुकु, हालत इतना खराब है, मतलब दो वक्त का खाना ठीक से नहीं मिलता है, बहुत दुख की बात है। आशीर्वाद करूँ आबार हमरा आसब। और रास्ते में जाते जाते नजर आया एक लोग यहाँ सोया हुआ है, सर्दी का मौसम ऐसे ही आ रहा है। और खाने के लिए दो बिस्किट्स का पैकेट साइड देखा था, शायद अभी गहरी नींद में सोया हुआ है। मतलब ये जो घर था ये गाय रखने का जगह था, सारा रात्रि तुझे झोर झंझा होलो, सब चोख बुझे बैग और सब माने कि सीते बैग कांप छे झिक रहा था, 7 घंटा पूरा 6 घंटा पूरा कांथे संग जेदार पेपर लिया लड़ाई करी घर संग आर होइन पड़ी अनवरी है पड़े गए छे, ये तो जिनिसपत्र सब पर पैथेटिक कांथेर भीतर। ओ बहुत ही पैथेटिक सच में, मतलब तूफान की रात बहुत भयंकर रात था। सारे गैया को जो रस्सी से बांधा हुआ रहता है उसको खोल दिया, वहाँ जाके खड़ा था पीछे रास्ते का ऊपर, मतलब ये लोग समझ गए थे कि घर अभी गिरने वाला है, तो यहाँ छोड़ के यहाँ से बाहर निकल के दूसरे लोगों का घर में जाके शिफ्ट कर दिया था। आइए थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं, और एक्चुअली यही घर था पूरा, ये पूरा घर गिर गया है। पहले तेज रफ्तार से जो शेड रहता है ऊपर का, और यहाँ का शेड मतलब ऐसे स्ट्रॉ दे के, वो जो हाँ खड़ स्ट्रॉ दे के ही बना हुआ रहते हैं, हाँ
और पहले वो शेड उड़ा के लेके गया है और उसके बाद ये जो मिट्टी का दीवार है पानी से भिगो दिया और उसके बाद फिर से तेज़ रफ्तार और गिरा दिया, मतलब पूरा बेघर हो गया, तहस नहस हो गया, कुछ भी नहीं है। दादा हम लोगों की तरफ से छोटा सा कुछ सहायता चेष्टा करब, जो आो कि सहायता पाई हमारे पक्ष जो आो बेसी कि जाए नेक्स्ट आबार एसे अपन सहायता करार चेषा करब, आशीर्वाद करूँ जान करते भलो थकूँ, मन खराब करबें ना। हाँ आशी मासी नमस्कार। देखिए कैसा हालात हो गया है, तो सो गया है दुर्योगपूर्ण मानुषर का दाड़ाते परि और एक्चुअली खबर मिला कि मासीमा है उनका हस्बैंड का मौत हो गया और अकेला है, हालत बहुत खराब है और मासीमा थोड़ा बाहर गए हैं काम करने के लिए, इसलिए इनको एक मिलना चाहिए। मासीमा एक उल में कुकिंग का काम करते हैं, थोड़ा बहुत 200-500 रुपया वहाँ से मिल जाता है, तो मासीमा के साथ मीट नहीं कर सका लेकिन उसका घर में हम लोग थोड़ा सा ये सामान रख के चले जाएंगे। पास का जो घर है उन हाँ, लोगों को इन्फॉर्म करके। हाँ हाँ हाँ, बगल का जो घर है वहाँ बोल दिया है हम लोगों ने कि यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा पैरट दीपंकर का चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से थोड़ा सा कुछ सामान रख के जा रहा हूँ। और रास्ते में आते आते एक स्कूल मिला, उत्तर गोविंदपुर आबाद नूतन ओपरा विद्यालय, कुछ बिस्किट का पैकेट्स, कुछ सेरिलैक्स वगैरह यहाँ है। ये जो इलाका है इसी इलाका का सारे बच्चा, मतलब हर एक घर में तो बहुत क्षति हुआ है इस तेज बुलबुल का कारण, और वही सारे घर का बच्चा यहाँ एक ही साथ हम लोगों को मिल गया, तो यही सोचा कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देने से और भी अच्छा रहेगा। अच्छा हेडमास्टर मशाई क्या आज अच्छा हमारा इसलिए पैरट दीपंकर चैरिटेबल ट्रस्टर पक्ष के अपना बुलबुलर तांडवर कारण जरा क्षतिग्रस्त होना सामान्य किसान सहाज्य करार जो तई स्कूल चोखे पड़ल हमारे का किस सेरिलैक्स छो कि बिस्किट्स आगो तो दिए और संगे कि रिक्वेस्ट थकल समस्त बच्चा पक्ष ग्लास दिए कि अरेंजमेंट करिए सबा के एक डिस्ट्रीब्यूट कर सरकार ग्लास पे अच्छा हमारे पक्ष बच्चारा सबाई पैरट दीपंकर चैरिटेबल ट्रस्टर पक्ष अपन एलिक मैं तुम्हारे एलिक इसम कि सहाजर जो कर गे तुम्हारा तो सबाई स्कूले क्यों कारो বাড়িতে নেই স্কুল টাইমে, তা আমরা এই স্কুলে তোমাদের জন্য সেরিলাক্স দিয়ে গেলাম, 2 থেকে 10 বছর বাচ্চারা খেতে পারবে সবার জন্য, তার সঙ্গে বিস্কুটস দিয়ে গেলাম অনেকগুলো, সবাই খেও, সবাই খেয়ে যাবে, সবাই খেয়ে যাবে। ঠিক আছে আসছি, সবাই ভালো থেকো তোমরা, ইউ অল আর ওয়েলকাম স্যার, আসছি ম্যাডাম আসছি। और फिर से हम लोग लौट के चले आए हैं नाव पे, और इस आइलैंड का नाम था राक्षसखाली, बड़ो राक्षसखाली। यहाँ का तो पूरा कंप्लीट हो गया है, बहुत सारा बेघर हो गया है, ऐसे लोगों का घर में गया है और मतलब खुद अपना अपना हिसाब से सहायता किया है, मतलब आप लोगों का दुआ से आप लोग जो कंट्रीब्यूट किया है उससे बहुत बहुत सारा नीडी लोगों के पास पहुँच पाया, कुछ कर पाया थोड़ा सा, मतलब इन लोगों का जो हुआ मतलब उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, बट फिर भी अभी अभी के लिए रहने का या फिर थोड़ा खाने का कुछ, और अभी हम लोग फिर से निकल जाएंगे यहाँ से दूसरा आइलैंड के लिए। हाँ, 2-3 villages है तो हाँ, जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, कोशिश करेंगे शाम तक जितना हो पाएगा उतना करेंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दूसरा आइलैंड में, और इस आइलैंड में ये बाकी का जो सारा सामान है वो सब लेके जाएंगे साथ में, और यहाँ बहुत सारा सबसे ज़्यादा जो तांडव है बुलबुल का वही, मतलब इन लोगों का ऊपर ही, मतलब सुंदरबन का अंदर सबसे ज़्यादा मिजरेबल जो पीपल है यहीं हम लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ तक घर था इन लोगों का, तेज तूफान बुलबुल के कारण पूरा उड़ गया, पूरा ख़त्म हो गया, नाम नाम और निशान नहीं है। और यहाँ थोड़ा सा ये जो दीवार हम लोग देख सकते हैं, यहाँ मतलब पूरा घर ख़त्म हो गया, ऐसे त्रिपल लगा के रखे हैं। चिंगड़ी माछ यही नदी देखे पाओगा चीगलो, यही घर था, यहाँ ही रहता था और पूरा घर। अच्छा ये माटिर देवाल छिलो, तो सामान्य सहायताटुकु अपनी ग्रहण करुन, हॉर्लिक्सर पैकेट रही है, बिस्किट पैकेट रही है,
और करीब करीब एक घंटा इंजन वैन पे सफर करके जहाँ मेन इफेक्टेड हुआ है, बुलबुल का तांडव सबसे ज्यादा जहाँ पर हुआ है, जहाँ सबसे ज्यादा तेज नेस किया है, गोवर्धनपुर में हम लोग अभी पहुँच गए हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पूरा हर एक घर तेज नेस हो गया। माँ बाबा क्यों नहीं? ऐसी एक घर है जिसका पूरा पीछे का शेड पूरा खत्म हो गया है और बहुत ही बुरा हालत है घर का भी। और यहाँ एक घर का हालत, मतलब ये पक्का घर था, ईंट से बना हुआ था, फिर भी हालत देखिए, पूरा ईंट का बनाया हुआ घर भी तहस नहस कर दिया। সরকারি ভাবে আমরা একটা রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে যা, আর এমনি ট্রাস্ট বা এনজিও দের পক্ষ থেকে না, এখনো পর্যন্ত আমাদের এখানে কিছু আসেনি। আমাদের পক্ষ থেকে এই সামান্য দানটুকু আপনাদের গ্রহণ করে আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই। মানে এটা কি তোমার ঘর? হ্যাঁ। টেম্পোরারি শেড এসে বানাকে, এক ট্রিপল সে এসে বানাকে টেম্পোরারি রে রা হ্যায়, ইয়াহ দো এসে খড়া কর দিয়া অর এসে হি ঘর মে এ লোগ রে রে হ্যায়, সিরফ এ ইয়াহ পড়া হুয়া হ্যায়, পুরা কে পুরা খতম হো গিয়া হ্যায়, কুছ হ্যায় হি নাহি ঘর কা। ভাই প্যারট দীপঙ্ক চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আমাদের পক্ষ থেকে এই সামান্য সহযোগিতাটুকু। আর ফের সে পৌঁছ গে হ্যায় তিসরা ঘর মে, মতলব এক হি লাইন মে জিতনা সারা ঘর হ্যায়, ইস সাইড জিতনা সারা ঘর হ্যায়, কহাঁ তক কর পায়েঙ্গে ও তো পতা নেই, লেকিন রাস্তে পে চলতে চলতে জিতনা সারা ঘর মিল রা হ্যায়, এক ভি ঘর ঘর নেই হ্যায়, মতলব পুরা উজড় গিয়া হ্যায়, পুরা তেজ নেস হো গিয়া হ্যায়, এ তো দেখ হি সকতে হ্যায়, অন্দর একবার দিখা দো ক্যা হাল হ্যায়, মতলব ইয়াহ আগর উস তুফান কে রাত কোই রহতা তো ইয়াহ জিন্দা রহনা উস রাত মুশকিল হো জাতা। এইটুকু নিয়ে আমরা এইটু দুয়ার করতে পেরেছি। শাম হো রা হ্যায়, বক্ত বহুত কম হ্যায় হাম লোগ কে পাস, ঠিক আছে জি ঠিক আছে। टाइम का शॉर्टेज का कारण, मतलब शाम हो रहा है, वो जो घर वहाँ है और घर में नहीं जा रहे हैं, रास्ते में सबको बुला के यहाँ से ही थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। सामान्य तो मैं यही अपने ग्रहण को ठीक। ये जो घर है यहाँ, इसका भी हालत बहुत ख़राब है, पूरा तहस नहस हो गया है। তেজ তুফান কি রাত আপ লোক স্কুল মে চলে গে থে আর ওই ঝড়ে রাত্রে এটা ভেঙে পড়েছে। দিদি উনকা পতি আপকা বেটি, মতলব এ তিনো কা সংসার হ্যায়, আর তুফান কে রাত মে সব মিলকে স্কুল মে চলে গে থে, কিউকি এ লোক সমঝ গে থে ইন লোগো কা ঘর কা জো হালত হ্যায় উস তেজ তুফান কে আগে টিক নেই পায়েগা। ইসকা জো মাতা হ্যায় ও উস তুফান কে রাত ও মর গিয়া হ্যায়, টুকু কাথের ফাকে। হ্যাঁ, সেই কাঁথটা যে পড়েছে সব ফাঁকে একটু খুঁটা থাইল, সেতে মাটি জাঁকিয়ে রয়েছে। মতলব উস তুফান কি রাত মে ইসকা জো মা হ্যায় মৌত হো গিয়া হ্যায়, আর এ ও জো দিবার এসে ক্র্যাক হো গিয়া থা উসি ক্র্যাক মে এ ছুপ কে রহ গিয়া থা, আর এ মতলব আভি তক সেই সালামত হ্যায়। দিদি প্যারট দীপঙ্ক চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে এই সামান্য সহযোগিতাটুকু আপনি গ্রহণ করবেন, আমরা চেষ্টা করব। আপনাদের তো অনেক বড় ক্ষতি হয়েছে, এটা খুবই সামান্য, আমরা চেষ্টা করব, আমরা যদি আরও বড় সহযোগিতা কিছু পাই অবশ্যই আবার আসবো। আর খানা ভি নেই খাত পাতে হ্যায়, আর হাতে তুলে খেতে পারি না, আমাকে খাবি দিতে হয়, সব করে দিতে, বাথরুম ভি করানা পড়তা হ্যায়, সব কুছ আমাকে সব করে দিতে হয় ওর জন্য। দিদি আপকা হাজবেন্ড ভি নেই হ্যায়? না না ভাই, मैं आपके लिए थोड़ा सा मतलब हेल्प करने के लिए आज आया हूँ प्यारोट दीपों को चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। भाई तुम ले सकते हो हाथ में? अच्छा ठीक है, भाई कह रहा है कि यहाँ रखने के लिए तो यहाँ रख दिया। और मतलब घर में अर्निंग मेंबर कोई नहीं है, इनका पिताजी गुजर गए हैं और भाई का हालत ऐसे है और उसका माँ है। और ये जो घर आप लोग देख रहे हैं ये आवास योजना मतलब सरकारी तरफ से फॉर्चुनेटली मिल गया, ऐसे बहुत सारा परिवार है, कितना लोगों को मिलता है, बहुत ही कम। নমস্কার দিদি। और अभी तो शाम हो रहा है, अभी भी हम लोगों का काम चल रहा है। और यहाँ और जाते जाते एक बहना मिल गया, मैंने उन्हें बसिए दें सुन। हाँ, এই সামান্য কিছু সহযোগিতা আমরা করলাম দিদি ওই ছোট্ট বোনটির জন্য। আর আবি তো বিলকুল অন্ধেরা হো চুকা হ্যায়, আর জাদা দের তক শায়দ ইস আজ কা জো প্রোগ্রাম হ্যায় কন্টিনিউ কর নেই পায়েঙ্গে। আর ইয়াহ এক ঘর থা, কুছ ভি বচা নেই হ্যায়, এর মধ্যে কম্বল মশারি আছে আর এই সামান্য কিছু খাওয়ার। আমার নমস্কার দিদি। বিলকুল অন্ধেরা হো গিয়া,
এই খড়গুলো একদম নষ্ট হয়ে গেছে, চলুন ভিতরে চলুন, একদম পুরা খতম হো গিয়া। यहाँ का हालत आप लोग देख ही सकते हैं, ये पूरा इलेक्ट्रिक जो पोस्ट है ये गिर गया है और ये इलेक्ट्रिक का वायर है और ये तो अभी इलेक्ट्रिक है नहीं। थोड़ा सा बैलेंस करके जाना पड़ेगा और आज इससे ज़्यादा यही फाइनल घर होगा, इससे ज़्यादा घर में पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। टेम्परेरीली ऐसे एक सेट बना के ये लोग अभी रह रहे हैं, मतलब ये देखिए दो उंगली से कोई भी हिला सकते हैं। हर एक घर यहाँ से सब तो बाबे और माँ एक है ना, एक सेरिलैक्सर पैकेट अच्छे और केक अच्छे माँ, इटा अच्छे तुम्हारे जो सारे व्यूअर्स सारे सब्सक्राइबर सारे फैंस के पास मेरा रिक्वेस्ट है, और थोड़ा सा सहायता का हाथ बढ़ाइए और हर घर घर में ऐसे दिए जलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए थोड़ा सा सहायता कीजिए। और यहाँ एक छोटा भाई को देखने को मिला और एक छोटा सा बेबी को, दीदी ये अपना बाबू छोटो बाबू जो सेरेलैक्टा दिलाम और ये बिस्कुट और केक तुम्हार जो खुशी हैप्पी नमस्कार नवीन दीदी। और फाइनली और एक घर में आ गया हूँ, मतलब जा नहीं पा रहा हूँ। दीदी एटा आपने ग्रहण करूँ, खराब लगे अपना पूरा एरिया पूरा अंधकार, एतटुकू आलोर को संस्पर्श नहीं। कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक किया जाए, मतलब इन लोगों का ऐसे हालत है कि कैसे जाऊँ। पूरा घर देखिए बिल्कुल अंधेरा है, कोई भी लाइट का कोई टच नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसे ही इन लोगों का घर में है नहीं, ये हालत है। दीदी एटा आपने ग्रहण চেষ্টা করছি, মানে প্যারেন্ট দীপঙ্কর চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে চেষ্টা করছি প্রত্যেকের যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবাইকে একটু করে আলো দেখানোর জন্য। এটা তো খুবই সামান্য, আপনাদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সামান্য এই দানটুকু আপনি গ্রহণ করুন আর এই থাকুন। দিদি এতে কিছু বিস্কুট প্যাকেট আছে, হরলিক্স আছে, কম্বল আছে। নমস্কার দিদি, চলো আপনার বাচ্চার জন্য, 2 থেকে 10 বছরের বাচ্চার জন্য, আর এটা কৌটোর মধ্যে ঢেলে টাইট করে রাখবেন নাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। और तो फाइनली हम लोग फिर से नाव में चले आए। आज जो किया 100 से भी ज़्यादा ऐसे असहाय परिवार के पास हम लोग गया और थोड़ा सा जितना हो पाया सहायता किया, वो भी आप लोगों के मदद से ही कर पाया। और सुंदरबन का सारे बुलबुल इफेक्टेड पीपल की तरफ से, पैरोट दीपंकर चैरिटेबल ट्रस्ट की हम सभी सारे सदस्य, आप सारे व्यूअर्स सारे सब्सक्राइबर्स सारे फैंस को, और ज्यादा करके जो लोग सहायता का हाथ बढ़ाया थोड़ा सा डोनेट किया हम लोगों को, आप सभी को हम सभी दिल से धन्यवाद और नमस्कार करते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले जो सारा नेकदिल इंसान इस इवेंट के लिए सहायता का हाथ बढ़ाया उन सभी के साथ आप सारे व्यूअर्स को थोड़ा परिचय कराना चाहेंगे। চেষ্টা করলাম, দিলাম, ধন্যবাদ। তো আজকা ভিডিও এই খতম হতা হ্যাঁ, ফির মিলেগে কিছু নয়া ভিডিও নয়া টপিক কে সাথ, তব তক কে লিয়ে বাই বাই ফ্রেন্ডস।